हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली एप्पल ने रिलीज़ कर दिया है गाइज iOS 17.6 पब्लिक बीटा 6 का अपडेट। और गाइज ये अपडेट आ चुका था करीब जो 2-3 दिन हो चुके हैं। सो मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैंने सोचा एक ही बार में आपको कंप्लीट करके बता देंगे, साथ में इसका रिव्यू भी कर देंगे। तो iPhone 12 पर मैंने ये अपडेट किया है क्योंकि iOS 18 का अपडेट iPhone 13 में और iPhone 15 में जो है इंस्टॉल कर चुका हूँ। 13 Pro रखा हुआ है जिसके बारे में हम बाद में वीडियो बनाएंगे, उसको मैंने सेकेंड हैंड परचेज किया है। तो कहाँ से परचेज किया है, किस प्राइस पे परचेज किया है, उसकी वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रख लीजिए गाइस, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। सो बात करते हैं अपने iOS 17.6 पब्लिक बीटा 6 अपडेट के बारे में। सॉरी, पब्लिक बीटा 1 है एंड यहाँ पर 17.6। तो यहाँ पर इस अपडेट का जो साइज़ है गाइस काफ़ी ज़्यादा है, 6.27 GB का ये अपडेट है मेरे iPhone 12 में गाइज। एंड यहाँ पर कुछ नए नए फीचर्स हैं नहीं है, क्या कुछ हैं वो सब गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं, इससे पहले जो मेरे फ़ोन में अपडेट था उसका iOS वर्जन था 21F90। एंड यहाँ पर अगर बात करूँ अवेलेबल स्पेस की तो आप लोग देख सकते हैं 32.22 GB, और जो मॉडेम फर्मवेयर था वो था 4.50.06। एंड यहाँ पर अगर बात करूँ आईफोन स्टोरेज तो आप लोग देख सकते हैं 10.86 GB, और जो सिस्टम डाटा है वो है 4.21 GB का मेरे आईफोन 12 में। अभी गाइस जो ये अपडेट है वो मैंने अपने फ़ोन में कर लिया है, तो आपको यहाँ पर एक नया बिल्ड नंबर देखने को मिल जाता है जो कि है 21G5052E। एंड यहाँ पर अगर बात करूँ गाइस जो है अबाउट में, तो यहाँ पर अवेलेबल स्पेस पहले से थोड़ा सा जो कम है वो हो चुका है। पहले 30 GB के आसपास था और अभी आपको जो है 28.24 GB का जो है स्पेस है वो मिल जाता है, थोड़ा सा स्पेस जो है वो कम हो गया है। बात करें मॉडेम फर्मवेयर की तो 4.50.05E है, एंड यहाँ पर जो पहले था गाइस 6 था, तो थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब एक नंबर कम यहाँ पर मॉडेम फर्मवेयर जो है वो लास्ट के हो गए, एक तरीके से कह सकते हैं नया आपको जो है मॉडेम फर्मवेयर देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ गाइस जो है यहाँ पर आईफोन स्टोरेज की, तो आप लोग देख सकते हैं 10.87 GB, और जो सिस्टम डाटा है वो है 5.18 GB। तो ये गाइस जो है यहाँ पर व्हाट्स न्यू कह सकते हो, जो चेंजेस हैं वो आप लोगों को यहाँ पर जो है मैंने दिखा दिए। अब अगर मैं बात करूँ क्या कुछ नए फीचर्स हैं, क्या कुछ नए चेंजेस हैं, तो इस अपडेट में आपको बहुत बड़े बड़े फीचर्स तो मिलने वाले नहीं हैं क्योंकि अभी iOS 18 का टाइम चल रहा है। तो सारे जो मेन फीचर्स हैं गाइस वो आपको iOS 18 में ही देखने को मिलेंगे, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो यहाँ पर नए फीचर्स और नए चेंजेस यहाँ पर कुछ खास नहीं है। बात करें कुछ बग फिक्सेस की, तो यहाँ पर जो है बग फिक्स हुए नहीं है। यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट का जो ये विजेट है ये अभी सही तरीके से मेरे iPhone 12 में काम करता नहीं, कभी कभी जो मैं सुन रहा होता हूँ वो यहाँ पर उसका जो एल्बम आर्ट है वो आना चाहिए बट यहाँ पर आता नहीं है। एंड यहाँ पर जो फिटनेस का विजेट है ये भी सही तरीके से काम नहीं करता है, जो सही मतलब पूरा जो डाटा है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो है वो नहीं दिखाता है। सो यहाँ पर विजेट्स को लेकर के मेरे iPhone 12 में थोड़ा सा इशू जो है वो है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ गाइस जो है कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स जो है अभी भी हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये विजेट्स का तो प्रॉब्लम है ही, साथ में गाइस कनेक्टिविटी का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम जो मेरे iPhone 12 में वो हो रहा है, खासकर एयर ड्रॉप से लेकर जब मैं इसमें जैसे कोई वीडियो बना लेता हूँ और मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ तो यहाँ पर कई बारी वीडियो जो है वो फेल्ड हो जाती है। तो ये दिक्कत मेरे iPhone 12 में जो है अभी भी हो रही है, खासकर एयर ड्रॉप से रिलेटेड। वहीं पर अगर मैं बात करूँगा इस परफॉर्मेंस का क्या सीन है, तो यहाँ पर मैं आपको साफ साफ दिखा देता हूँ कि यहाँ पर पहले कितनी परफॉर्मेंस थी और अभी कितनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 20 जून को जब किया था 17.5.1 में, तो यहाँ पर जो सिंगल कोर था वो था 1865, और वहीं पर जो मल्टी कोर था वो था 4716 GB का, सॉरी 4716 मल्टी कोर। और यहाँ पर अभी मैंने 22 जून को किया तो आप लोग देख सकते हैं 2077 सिंगल कोर निकल के आया है और जो मल्टी कोर है वो है 4784। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर बढ़ गए हैं पहले से, तो जो परफॉर्मेंस थी गाइस वो आपको पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी जो है वो देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ GPU बेंचमार्क की, तो आप लोग देख सकते हैं जो पहले नंबर था 16439 और अभी है 16583। सो गाइस ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इस अपडेट की वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो परफॉर्मेंस के मामले में ये अपडेट पहले के अपडेट से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। वहीं पर अगर बात करूँ गाइस जो है ओवरहीटिंग का क्या सीन है, तो मेरा जो फ़ोन है वो ओवरहीट अभी नहीं कर रहा, iPhone 12 जो है पहले के मुकाबले कम ओवरहीट कर रहा है, तो ओवरहीटिंग का जो प्रॉब्लम मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा फिक्स यहाँ पर एप्पल ने किया है। सो गाइस अब बात करते हैं मेन चीज़ की, जो कि है बैटरी लाइफ की, बैटरी लाइफ का क्या सीन है।
तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ टेस्ट किए जो मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। पहले आप लोग ये देखिए कि जो मेरा आईफोन 12 है इसकी जो बैटरी हेल्थ है गाइज वो है 100%। वहीं पर अगर बात करूँ इसको लास्ट चार्ज, तो 12:30 बजे मैंने इसको 79% चार्ज किया था और अभी इसमें बैटरी जो है गाइज वो है 48% और रात के बज रहे हैं 11:46, तो करीब जो है 12 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। एंड यहाँ पर फ़ोन में स्क्रीन ऑन टाइम आप लोगों को 2 घंटे 48 मिनट दिख रहा होगा। और यहाँ पर आज मैंने क्या किया गाइस, इस फ़ोन में जो है करीब 1.5 घंटे के आसपास मैंने इसमें पबजी खेला है, BGMI खेला है। सो यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है गेमिंग में वो बहुत ही अच्छा है, अभी भी 48% बैटरी है इस फ़ोन में। सो यहाँ पर आपको इस अपडेट में बैटरी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी गाइस जो है वो मिलने वाली है। सो यहाँ पर मैं कहूँगा पिछले अपडेट से मुकाबले इस अपडेट में काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ है, फिर भी मैं इसको गाइस कंपेयर करूँगा, आपको प्रॉपर तरीके से दिखाऊँगा iOS 17.5.1 अपडेट से पूरी तरह से टेस्ट, स्पीड टेस्ट वगैरह करके दिखाऊँगा आईफोन 12 में, जिसकी वीडियो बहुत ही जल्दी जो है गाइस मैं अपलोड करने वाला हूं। सो ओवरऑल मैं कहूंगा 17.5.1 एक अच्छा अपडेट था, बट उससे बेटर अपडेट मुझे लग रहा है 17.6 है। बट यहां पर प्रॉपर तरीके से मैं आपको फिर से एक बार जो है दिखाऊंगा अपना रिव्यू करके आईफोन 14 के साथ में। सो गाइज यही थी छोटी सी वीडियो, आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जाते जाते मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पब्लिक बीटा अपडेट अगर आप यूज़ करते हैं तो इस अपडेट को आप कर लीजिए, बट आप अगर स्टेबल अपडेट पे हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, प्रॉपर तरीके से इसको मैं कंपेयर करूंगा उस अपडेट से, तब आपको बताऊंगा कि आपको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बाकी आप स्टेबल अपडेट पे बने रहें, जैसे ही और कोई स्टेबल अपडेट रिलीज होता है 17.6 का मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। सो यही थी गाइज छोटी सी वीडियो, आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय।